हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं आज समाज सुधार आंदोलन। समाज सुधार आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास में और समाज के परिप्रेक्ष्य से इसका एक अलग ही स्थान हो जाता है, क्योंकि इसमें उन सभी समाज सुधारकों के बारे में बात की गई है जिन्होंने भारत में समाज के लिए बेहतर प्रयास किए, समाज में बदलाव के लिए बेहतर प्रयास किए, जिन्होंने भारतीय समाज में आ चुकी कुछ बुराइयों को दूर करने में बेहतर प्रयास किए। तो हम उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि समाज सुधार वास्तव में था क्या और उनके पीछे किन किन लोगों के क्या क्या प्रयास रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं समाज सुधार को। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं, देखिए इसका नाम है प्रारंभिक समाज सुधार। इस प्रारंभिक समाज सुधार में उस समय को शामिल किया गया है जो 19वीं और 20वीं शताब्दी, कौन सी 19वीं और 20वीं शताब्दी के काल में जो जो प्रमुख समाज सुधारक लोग हुए उनके बारे में इसमें पूरी चर्चा की गई है। इस समाज सुधार में वो चीजें शामिल हैं कि हमारा जो धर्म था, हमारे जो रीति रिवाज थे, हमारा जो सामाजिक जीवन था, उस सामाजिक जीवन में कुछ कुरीतियां प्रवेश कर गई, कुछ बुराइयां प्रवेश कर गई, तो उन्हीं को सुधारने के लिए, उन्हीं को दूर करने के लिए क्या किया गया, समाज सुधार किया गया। इस समाज सुधार में आपको यह सबसे महत्वपूर्ण वो चीजें समझनी है जिनके लिए प्रयास किए गए, जिनके लिए क्या किए गए, प्रयास किए गए, कौन कौन से प्रयास थे वो समझिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म मैरिज 1872। क्या देखना है आपको, ये देखना है कि ब्रह्म मैरिज 1872 ऐसे करके कुछ प्रयास थे, जो प्रयास किए गए उनमें प्रथम प्रयास था ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872। अब समझिए ब्रह्म मैरिज एक्ट के बारे में। देखिए हुआ क्या था कि जो ब्रह्म समाज है, इस ब्रह्म समाज का कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। कितने पार्ट्स में हो जाता है, दो पार्ट्स में हो जाता है। एक जो भाग है वो कहलाया भारतीय ब्रह्म समाज और जो दूसरा भाग था वो कहलाया आदि ब्रह्म समाज। अब क्यों कहलाया और विभाजन क्यों हो गया, क्या कारण हुए, देखिए इसमें जो भारतीय ब्रह्म समाज है ये अलग हो जाता है 1866 में। इसके जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे केशव चंद्र सेन। कौन थे, केशव चंद्र सेन थे। इसके पीछे कारण क्या था, इसके पीछे शुरू में क्या थे, मतभेद थे। देवेंद्रनाथ और केशव चंद्र सेन में क्या हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। और इनका कारण था कि कुछ सांस्कृतिक सुधारों के लिए जिनमें महिलाओं के या लड़कियों के शादी की उम्र को लेकर क्या था, एक प्रमुख प्रश्न था। इसमें केशव चंद्र सेन जो होते हैं, इन्होंने इसके लिए प्रयास किए और इन्होंने उस समय ब्रिटिश हिंदी में को इस बारे में बताया कि हमें सामाजिक सुधार करने हैं। एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि अंग्रेजों के द्वारा भले ही कितनी लूटपाट की गई हो, यहाँ भारत का शोषण किया गया हो, लेकिन अंग्रेज हमेशा सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में रहते थे, सामाजिक सुधारों के पक्ष में रहते थे। उन्होंने कभी भी उस चीज को नहीं रोका कि अगर कोई बात सामाजिक सुधार की है, चाहे वो बाल विवाह के विरुद्ध कानून बनाने की हो, चाहे वो सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने की हो, चाहे वो विधवा विवाह के बारे में हो, या वो लड़कियों की उम्र के निर्धारण के बारे में हो, वो हमेशा इसके लिए तैयार रहते थे। लेकिन उसी का विरोध जो है वो भारतीय समाज के उस रूढ़िवादी लोगों के द्वारा किया जाता था जो सुधार के पक्ष में नहीं थे। इसमें होता यह है कि हेनरी मेल के प्रयास से 1868 में प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया जाता है। कौन सा प्रस्ताव पारित कर दिया है, ब्रह्म मैरिज एक्ट। और ये 1872 में क्या हो जाता है, पास हो जाता है। 1868 में इस प्रस्ताव को रखा गया था और 1872 में क्या हो जाता है, पास हो जाता है। इस ब्रह्म मैरिज एक्ट की जो प्रमुख बातें थी, जो प्रमुख जिन चीजों को लेकर प्रस्तुत किया गया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि जो लड़की है उसकी शादी की उम्र निर्धारित कर दी गई 14 वर्ष और जो लड़का है उसकी निर्धारित कर दी जाती है 18 वर्ष। ठीक है, आज के समय के अनुसार तो ये काफी कम है लड़की की उम्र, क्योंकि वर्तमान में 18 और 21 है, लेकिन पहले लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित करने के लिए भी बहुत बड़े विरोध का सामना किया गया था। इतना आसान ये सब कुछ नहीं था,
क्योंकि भारतीय लोग ये कह रहे थे कि ये हमारे आंतरिक मामले हैं, ये हमारे सामाजिक सुधार समाज को करने चाहिए, ना कि अंग्रेजों को। ठीक है, इसलिए इसका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। लेकिन फिर भी केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ये सफल होता है प्रयास। लेकिन इसमें भी एक प्रकार की अड़चन जो है वो क्या आ जाती है, सामने आ जाती है। क्यों अड़चन सामने आ जाती है, क्योंकि इन्होंने जो प्रस्ताव रखा था हेनरी मेन के नेतृत्व में, उसमें ये बात बताई जाती है कि ये प्रस्ताव जिनकी उम्र 14 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित की गई है, इन्हें उसमें हिंदू नहीं माना था। अब हिंदू नहीं माना तो बाकी लोगों ने कहा कि ये तो हिंदुओं के लिए कानून ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका ज्यादा जो प्रभाव है वो नहीं पड़ा, लेकिन इतना था कि लोगों में इस संबंध में जागरूकता आ चुकी थी कि लड़कियां जो हैं उनकी जो शादी की जो उम्र है वो एक अच्छी उम्र में करनी चाहिए, 14 प्लस में करनी ही चाहिए, वरना स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। लड़की 10 11 12 साल की होती थी, उसके विवाह जो है वो कर दिए जाते थे। आपको ऐसे बड़े बड़े उदाहरण जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक प्राथमिक प्रयास था जिसमें थोड़ी बहुत सफलता है वो मिली और समाज में एक संदेश जो है, जो मैसेज जो है वो चला जाता है। अब आगे क्या होता है, आगे एक और अधिनियम के बारे में बात करते हैं जिसको बोलते हैं सहवास बै विधेयक। क्या बोलते हैं, सहवास बै विधेयक बोलते हैं। तब 1892 अब देखो ये क्या इतना आसान था पास हो जाना, बिल्कुल नहीं था। इसमें भी देखो क्या हुआ, इसमें दो व्यक्ति दोनों बड़े प्रसिद्ध हैं, एक समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है समाज सुधार आंदोलन में। तो इनका जो जन्म है वो 18 जनवरी 1842 को हुआ था और इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1901 में हुई थी। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात इनको कहा जाता है। दूसरे जो व्यक्ति थे राजनीतिक सुधारक, जिनमें थे बाल गंगाधर तिलक। अब मैंने दोनों के ही नाम क्यों बताए, दोनों के नाम इसलिए बताए क्योंकि इस चीज को लेकर इन दोनों में क्या थे, मतभेद थे। मतभेद होने का मतलब यह है कि केवल एक दो चीज पर मतभेद थे, मतभेद होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वो आपस में झगड़ा झगड़ा कर देते कि भाई तुमने ऐसा कर दिया तो क्यों कर दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि जो महादेव गोविंद रानाडे थे ये समर्थक थे सामाजिक सुधार के। ठीक है, गोविंद महादेव रानाडे ये कहते थे कि अगर समाज में सुधार आ जाएंगे, समाज जो है वो सांस्कृतिक रूप से उन्नति कर लेगा, अगर समाज जो है वो शिक्षित हो जाएगा तो राष्ट्र की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अपने आप सुधर जाएगी, पढ़े लिखे लोग पढ़ा लिखा समाज एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेगा। लेकिन यहाँ जो तर्क बाल गंगाधर तिलक का था वो थोड़ा डिफरेंट था, वो थोड़ा अलग था। ये कहते थे कि राजनीतिक सुधार होनी चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल सुधार होनी चाहिए। अगर हमारी राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होगी, अगर हमारा राजनीतिक जो सिस्टम है वो अच्छा होगा तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक मानते थे कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे सुधारों के लिए आवेदन नहीं करने चाहिए, हमें राजनीतिक सुधारों के लिए प्रयास करने चाहिए। तो इसीलिए दोनों के बीच में क्या थे, मतभेद थे। ठीक है, अब आप क्या मानते हैं, आप क्या ये मानते हैं कि पहले समाज का सुधार होना चाहिए, क्या आप ये मानते हैं कि राजनीति का सुधार होना चाहिए उसके बाद समाज अपने आप सुधर जाएगा। तो आप अपने व्यू अपना पॉइंट बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके दृष्टिकोण से कौन सा बेहतर है, समाज सुधार बेहतर है या राजनीति सुधार बेहतर है। एक तरफ गोविंद रानाडे, एक तरफ बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, दोनों को क्या होता है कि छोटी छोटी जानकारी हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं और उन्हीं से हम उनका आकलन करने का प्रयास करते हैं कि देखो इन्होंने ये बात बोली तो ये महान थे। ठीक है, उनके बारे में ज्यादा रिसर्च करोगे तो आपको बहुत सारी बातें नहीं पता चलती हैं। तो ये सहवास बै विधेयक 1892 होता क्या है, गोविंद महादेव रानाडे जो थे इन्होंने महाराष्ट्र पूरे क्षेत्र जो इलाके थे इन क्षेत्रों में काफी बेहतर प्रयास किए थे और इन्होंने जो महिलाएं हैं उनके विधवा विवाह समर्थन किया था। क्यों किया था विधवा विवाह का समर्थन, तो विधवा विवाह का समर्थन करने के पीछे कारण था कि उस समय विधवाओं के विवाह नहीं होते थे, सती प्रथा पर मैन लग गया था। अब सती प्रथा पर मैन लग गया तो जो विधवाएं हैं वो बड़ी संख्या में हो जाती हैं, क्योंकि पहले छोटी उम्र में शादी होती थी और लड़के जो हैं वो किसी न किसी कारण से मर जाते थे, कोई बीमारी की वजह से, गरीबी की वजह से, जो भी कारण रहे हों। तो विधवाओं का एक बड़ा वर्ग जो है वो तैयार हो गया और उनकी शादी जो थी वो 14-15 साल में हो जाती थी और 16-17 साल में तो कई ऐसी महिलाएं थी जो एक दो साल बाद ही विधवा हो जाती थी। अब सोचो उनका क्या हो, समाज मानता नहीं देता था विधवा विवाह को, उनको हीन दृष्टि से देखा जाता, यानी कि
एक 14-15 साल की लड़की जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती थी, आजकल तो लड़कियां 20-22 साल की हो जाती है फिर भी उनको सामाजिक सिस्टम समझ में नहीं आता, उनके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर। देखो केशव चंद्र सेन जो है इनके इनको क्या पड़ी थी कि इन्होंने इसका विभाजन किया भारतीय ब्रह्म समाज के माध्यम से, इन्होंने शादी के प्रस्ताव के लिए एंटी बैन को बनाया और इतने बड़े विरोध का सामना इन्होंने किया। इसके पीछे का कारण बताते हैं, कारण ये बताते हैं कि इनकी एक पुत्री थी, इन्होंने अपनी ही पुत्री का विवाह जो है वो कूच बिहार के राजा थे और कूच बिहार के राजा के साथ तय कर दिया था और बहुत छोटी उम्र में कर दिया था, ठीक है, वो नाबालिग थी उस समय। उस विवाह कर देने के पश्चात इन्हें मालूम हुआ कि जो लड़कियों का विवाह है वो नाबालिग उम्र में करना बहुत बड़ी मूर्खता है और ऐसा और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग समझते हैं कि जब एक लड़की होती है वो 14-12-13 साल की जब होती है तो वो बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार नहीं होती। 18 साल के बाद जो गवर्नमेंट ने जो डेट निर्धारित की है 18 बरस, तो वो कुछ सोच समझ के की है क्योंकि 18 बरस के बाद वो सामाजिक जिम्मेदारी निभाने, समाज की रूपरेखा को समझने जैसी चीज़ों के लिए तैयार हो जाती है। तो इसीलिए केशव चंद्र सेन के द्वारा कुछ सार्थक प्रयास किए गए, लेकिन उनके सामने भी बहुत लोगों के द्वारा विरोध किया गया था, ठीक है। इसमें जो आदि ब्रह्म समाज है, आदि ब्रह्म समाज जो है वो ये मानता था कि ब्राह्मणवाद ही हिंदुत्व का आधार है, कुछ इनके ये सिद्धांत थे। तो दो तरह के प्रयास होते हैं, एक आप कोई संगठन खड़ा करते हैं तो बहुत सारे संगठन ऐसे हैं वो धर्म के विकास पर ही काम करते हैं, बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जो समाज के विकास पर काम करते हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, मानवता के लिए काम करते हैं। चलिए, तो गोविंद माधव नरवाने जो थे इन्होंने विधवा विवाह पर इसका समर्थन किया, ये चाहते थे कि स्त्रियों की जो शिक्षा है, स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया जाए, वो चीजों को समझे समाज में, वो चीजों को समझेगी तर्क तो क्या होगा, त्रुटियां तो होंगी, ठीक है। जो जो महिलाएं होती हैं वो ज्यादातर बाधित होती हैं इन चीजों से, समाज में कहते हैं कि जो अशिक्षित वर्ग होता है उस अशिक्षित वर्ग पर जो आडंबर होते हैं उनका ज्यादा प्रभाव होता है, लेकिन शिक्षित वर्ग उन चीजों को नाप तोल के तर्क के आधार पर ग्रहण करता है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी आकर कोई ऐसी हवा हवाई बात सुनाए कि देखो ये आप ऐसा प्रसाद खा लीजिए, इस प्रसाद के खाने से ये हो जाएगा, तो आप उस पर विश्वास नहीं करोगे क्योंकि आप कुछ ना कुछ एजुकेशन ग्रहण कर ली है। लेकिन पहले की महिलाओं के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं था, उनके पास शिक्षा का तो बिल्कुल ही अभाव था, सामाजिक मान्यताएं परंपराएं उनके आधार पर वो उनको मानती थी, किसी ने बोल दिया, सामाजिक मान्यता बनी हुई थी कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को सती होता है, बेचारी विरोध भी नहीं कर सकती थी, ठीक है, तो उनको जबरन क्या किया जाता था, सती कर दिया जाता था, क्योंकि वो कुछ समझ पाती उससे पहले उनके विवाह हो जाते थे, 16-15-16 तो हाईएस्ट होता था। तो इसीलिए गोविंद राणा ने शिक्षा पर जोर दिया। दूसरा इन्होंने तीसरे महत्वपूर्ण काम किया था, इनका जाति पाति का जो भेदभाव है वो खत्म होना चाहिए। क्यों खत्म होना चाहिए, कारण क्या था, गोविंद माधव राणा ने एक बात बोली कि जितने भी राजा होते हैं, जितना भी उच्च वर्ग होता है, वो सब अपने मन पसंद के काम करते हैं, बोलते हैं कि हमें तो अधिकार है। ब्राह्मण जो वर्ग होता है वो उनके लिए बहुत सारे अधिकार होते हैं, ब्राह्मण किसी भी जाति में विवाह कर सकते थे, ब्राह्मण किसी भी कर्म को अपना सकते थे, ब्राह्मण कर रहे हैं ठीक है, क्षत्रिय का पेशा धारण करना है क्षत्रिय ब्राह्मण राजा बन जाते थे, वैश्य का पेशा धारण करना है वैश्य का पेशा धारण कर सकते थे। तो गोविंद राणा ये कहते थे कि जब ये लोग कर सकते हैं, उच्च वर्ग के लोग कर सकते हैं, तो निम्न वर्ग के और मध्यम वर्ग के लोग क्यों नहीं कर सकते, उनके लिए ये बाध्यताएं क्यों है। तो ये इनके द्वारा तर्क दिया जाता था। 1887 में उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय समान सुधार समिति की स्थापना की। कब की, 1887 में की, राष्ट्रीय समान सुधार समिति की स्थापना की। ये पॉइंट आपको एक बार याद रखने हैं। अब देखिए ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो आपको याद रखना है हमेशा समाज सुधार के पक्ष में रहती थी, उनके सामने जो भी कोई ना कोई प्रस्ताव लेकर गया, चाहे वो राजा राममोहन राय हो, चाहे वो गोविंद राणाड़े हो, चाहे और भी कोई हो, उन्होंने कभी भी सामाजिक सुधार के लिए मना नहीं किया। कभी ये नहीं कहा कि साहब हम सती प्रथा को बंद नहीं करेंगे, कभी उन्होंने ये नहीं कहा हम लड़कियों की एजुकेशन पर ध्यान नहीं देंगे, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बाल विवाह को बंद नहीं करेंगे। अंग्रेज इस चीज में आगे रहते थे, वो कहते कि समाज सुधार एक बहुत बेहतर तरीका है, क्योंकि उन्हें बहुत परेशानी होती थी, लोग यहाँ पर अफवाहों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, ठीक है, कोई अफवाह उड़ी 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 और उसको मान लेते थे और हिंसा पर उतार हो जाते थे, इसीलिए उन्होंने इस संबंध में काम करना शुरू किया। 1891 में इन्होंने सहवास देव क्या किया, पारित किया। 1891 में
जो 1892 में क्या जाता है, पूर्ण अस्तित्व में आ जाता है। ठीक है, तो ये काफी प्रभावी काम था। क्या था ये? काफी प्रभावी काम था। इसमें एक जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आपने पहले भी हो सकता है नाम सुन रखा हो, किताबों में जो छोटी क्लासें होती हैं उनमें इनके बारे में थोड़ा बहुत समाज सुधार के बारे में बताया जाता है। तो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इन्होंने बड़े स्तर पर क्या किए थे, प्रयास किए थे। किसके लिए प्रयास किए थे? तो विधवा विवाह के लिए प्रयास किए थे कि जो विधवा महिलाएं हैं उनके विवाह किए जाएं। ठीक है, लेकिन दूसरा जो वर्ग था वो विरोध करता था। वो विरोध हमेशा होता है, एक वर्ग होता है उसका काम यही होता है विरोध करना। ठीक है, तो विधवा विवाह के आयोजन हुए के लिए आंदोलन किया उन्होंने, और जब लंबे समय तक इन्होंने आंदोलन किया तो इनकी बात मानी गई और 1856 में क्या किया, विधवा विवाह को वैध मान लिया कि अगर कोई भी महिला विधवा होने के बाद विवाह करना चाहती है तो गवर्नमेंट उसको स्वीकृति देती है, भले ही समाज में उसको स्वीकार किया जाए, उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी, कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, उसका कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोत्साहित करेगी। लेकिन कहते हैं ना कि सामाजिक जो लोकल पृष्ठभूमि होती है उस पर ये सारी चीज़ें बहुत देर बाद आती हैं। जब कोई काम कहीं पर कोई सुधार होता है 20 साल पहले हो गया तो आम जनता उसको 20-30 साल बाद स्वीकार करती है, क्योंकि उनकी वही मानसिकता और शैली जो है वो बनी रहती है। अब सुधार, सामाजिक सुधार हुए, प्रयास किए गए, रंग भी लाए, और आज जो है वो सारी चीज़ें उस समय के लोगों के सामने थी और आज ये चीज़ें क्या हैं, हट चुकी हैं। आप सोचो ये सारी चीज़ें अगर वर्तमान को होती तो कैसा होता। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें वर्तमान में होती, वर्तमान में सती प्रथा अपने प्रचलन में होती, विधवा विवाह के लिए मनाही होती, स्त्री शिक्षा यानी कि लड़कियाँ नहीं पढ़ पाती कॉलेजों में, एजुकेशन को नहीं मिल पाती, तो सोचो कैसे भयानक होता। ठीक है, बिल्कुल अलग। तो इसीलिए ये सारे जो काम हैं वो वर्तमान जो समाज है वो उनको जी रहा है, लेकिन ये प्रयास उससे पहले हो चुके थे। तो समाज सुधार आंदोलन के कारणों से देखिए भारतीय समाज में दोष, पहला कारण क्या था, भारतीय समाज में दोष। भारतीय समाज में बहुत सारे दोष आ चुके थे, बहुत सारे आडंबर आ चुके थे। उनके जो ब्रिटिश लोग आए थे वो भारतीय देवी देवताओं को क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। ठीक है, किसी ने कहीं पर भी जाके कोई भी मूर्ति बना दी, उसकी पूजा पाठ हो रही है, उधर से युद्ध का आक्रमण हो रहा है, लेकिन वो लोग ईश्वर पर विश्वास करते थे, देखो हमें बचाएंगे ये, लेकिन सब कुछ उजड़ जाता था, उसके बाद भी कुछ नहीं होता था। तो इस प्रकार से उनकी जो पूजा पाठ पद्धति थी, उनकी जो विश्वास करने का तरीका था, उसके ऊपर क्या किया गया, उस पर व्यंग किए गए। ठीक है, इसके अलावा पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, यानी कि जो पश्चिमी एजुकेशन है उस पश्चिमी जो पाश्चात्य संस्कृति उसका प्रभाव बढ़ने लगा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव बढ़ने लगा, लोग जो पढ़ा लिखा जो वर्ग था वो क्या होने लगा, इस वर्ग से अपने आप को अलग करने लगा, अपने आप को विद्वान वर्ग में शामिल करने लगा। तो लोगों की इच्छा हुई कि हम भी इस विद्वान वर्ग का हिस्सा बने, और उनकी जो बातें हैं वो लोग सुनते थे। इसलिए जो पाश्चात्य एजुकेशन थी उस पाश्चात्य एजुकेशन ने बहुत बड़ा डैमेज जो है वो हिंदुओं की संस्कृति को दिया था, और लोगों को लगने लगा था कि अगर हमने इनका सामना नहीं किया तो ये हमारी संस्कृति को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा एक कारण जो माना गया वो ये माना जाता है कि भारतीय समाचार जो पत्र हैं उन भारतीय समाचार पत्रों ने भी बड़े बड़े लेख लिखे गए समाज सुधार के पक्ष में, तो लोग उनको पढ़ते थे, तो उससे भी क्या होते थे, प्रभावित होते थे। जैसे इंग्लिश में 1780 में बंगाल गजट जो है वो क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। अंग्रेजी में सबसे पहले जो प्रकाशित किया गया वो कौन सा था, बंगाल गजट था। इसके अलावा बंगाल भाषा में दिग्दर्शन और दर्पण जो है दो समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित किए गए 1818 में। कब? 1818 में दिग्दर्शन और दर्पण। इसके अलावा 1821 में संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। इसके अलावा राजा राममोहन राय ने ही एक मिताओं का अखबार निकाला था फारसी में। कब निकाला था, 1822 में निकाला था। ठीक है, इसके अलावा 1822 में ही इन्होंने ब्रह्मनिकल मैगजीन जो है वो निकाली थी। कौन सी, ब्रह्मनिकल मैगजीन निकाली थी। ये किस भाषा में थी, तो ये इंग्लिश भाषा में थी। तो इस प्रकार से बहुत सारे समाचार पत्र क्या है समाज के सामने जाने लगे, उनके सामने उनके नुकसान उनके फायदे, इससे क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है वो जब लोगों को समझ में आया, तो ये एक प्रमुख कारण समाज सुधार का बना।
इसके अलावा बंगाली साइंटिस्ट सोसाइटी की स्थापना हुई। बंगाली साइंटिस्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1784 में हुई। कब हुई? 1784 में हुई। इसमें क्या क्या मतलब था, क्यों हुई, क्या कारण था? तो इसके पीछे ये उद्देश्य था, जो प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे, उनके जो प्राचीन ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनका, और जो यूरोपीय ग्रंथ हैं उनका क्या किया गया, अनुवाद किया गया, भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। उनकी अमूल्य निधि जो थी उसके बारे में लोगों को समझाया कि हमारे जो प्राचीन समय था उसमें किस प्रकार से जो महिला शिक्षा है, महिला जो महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं के बाल विवाह नहीं होते थे, ये तर्क दिए गए। तो लोगों ने उन चीज़ों से भी समझा। उसमें बहुत सारे विद्वानों के नाम थे जिनमें मैक्स मूलर, विलियम जॉनस, मोनियर, विल्सन, ठीक है, मैक्स मूलर, विलियम, ऐसे ऐसे विद्वानों की जो किताबें भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट हुई, अनुवाद हुआ, तो लोगों ने उनको पढ़ा, वहाँ की संस्कृति को समझा, कल्चर को समझा, तो लोगों की कहीं ना कहीं जो समझ है वो क्या हुई, विकसित हुई, और इसका बेनिफिट जो है वो इस समाज सुधार आंदोलन को मिला। एक जो है वो है पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। पाश्चात्य सभ्यता भी प्रभावित कर रही थी, ईसाई मिशनरी लगातार भारत में आ रहे थे, वो अपने कल्चर को सामने रख रहे थे, अपने रहन सहन, अपने खान पान, अपने तौर तरीकों को सामने रख रहे थे, और एक तरफ भारतीय तौर तरीके, तो लोगों के सामने यानी कि एक विकल्प सामने आ गया था, और उन्होंने सोचा कि हमारे इसके अंदर तो बहुत सारी कमजोरियां हैं। तो उस समय के जो ब्राह्मण वर्ग के जो विद्वान थे उन्होंने सोचा कि अगर सुधार नहीं किए गए तो एक बड़ा नुकसान हमको उठाना पड़ सकता है, इसलिए बहुत सारे विद्वानों ने समाज सुधार का जो बीड़ा है वो उठाया और उसके सुधार के लिए क्या किए, बेहतर प्रयास किए। तो ये समाज सुधार आंदोलन के बारे में एक प्रारंभिक पृष्ठभूमि है कि क्या कारण रहे, कौन कौन से प्रयास जो है वो किए गए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा उसमें हम प्रत्येक जो विद्वान है उसके बारे में, उसने जो प्रयास किए उसके बारे में, तो इनको आगे जाके हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।